वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीजन ऑफ मेहमान नवाजी। वेल, ये वो शो है जहां आपके टेलीविजन फेवरेट टेलीविजन एक्टर्स करते हैं हमारी यानी टेली मसाला की मेहमान नवाजी। तो आइए मिलवाती हूं कि आज कौन है, कौन सा टीवी का सितारा है जो करने वाला है हमारी मेहमान नवाजी। ये लिविंग रूम की तो मैं जरूर बात करूंगी, उसके पहले ये जो एंट्री डोर है It's so nice. I mean, and so unique. You know, my blue door. Father almost got a heart attack when we were doing the interiors. So, मैंने dad को photos भेजी. मैंने कहा, dad, हम ना ये plan कर रहे हैं. तो पहले तो बेचारे ना कुछ नहीं बोले, अच्छा नहीं तुम लोगों का घर है, तुम लोग देख लो. फिर eventually जब ये वाली photo गई ना कि door के लिए मैं ये plan कर रही हूँ, पापा called me and he lives in Australia. वहाँ के कुछ 2 बज रहे थे. बेटा अब ज़्यादा नहीं हो रहा. आई सेड दैट आई लव इट, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट लुकिंग डोर एंड यू नो ये हैंडल भी पापा को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये हैंडल तोड़ना है. सो डैड ये हैंडल है, ये इंडस्ट्रियल लुक है हमारी. सो नाउ आई थिंक ही इज गॉटन यूज्ड टू इट, बट आई थिंक ही स्टिल फील्स फनी कि तुमने क्या किया है भाई डोर का. नहीं, आई थिंक कुछ कोई बड़े ग्रैंड से सेट में एंट्री हो रही है ऐसी फीलिंग. रियली? चलो आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, एंट्री इतनी खास है, एंट्री डोर इतना खास है. आई एम सो एक्साइटेड कि ये जो लिविंग एरिया है इतना कलरफुल जो दिख रहा है. आपका फेवरेट कॉर्नर कौन सा है ऐश्वर्या? देखो, इसमें ना टोटल 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है. और पहले मैं वो पीछे आपके सोफ़ा है वहाँ पे, राइट. तो जब हम सोफ़ा दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें मैं फिट आ जाती हूँ और मुझे उसमें बैठने में बड़ा मज़ा आता था. ओके, बट जब से रोहित की फिल्म रिलीज़ हो गई है, नाउ ही हैज़ सम टाइम इन हिज हैंड, तो वो अब उनका एरिया बन गया. तो मेरा ना एक ही कॉर्नर बचता है वहाँ पे इस कमरे में, एंड देयर इज़ वन कॉर्नर आई लाइक टू सिट नेक्स्ट टू, लाइक आई लाइक टू सिट देयर, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स हैं एंड तो मैं सुबह वहाँ बैठती हूँ एंड आई सिट डाउन विद माय कॉफ़ी एंड आई रीड माय न्यूज़पेपर. ये मैंने नई आदत डाली है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है. एंड आई डू दैट. तो फिर चलिए बैठते हैं वहाँ पर. चल, सो दिस इज माई कॉर्नर दैट आई इंजॉय सिटिंग ऑन. हम लोग तो क्या मतलब, मैं रोहित से पहले उठती हूँ तो मैं सुबह यहाँ आती हूँ और मैं ये खिड़की खोलती हूँ, आई टॉक टू माई प्लांट्स. वो मुझे अभी भी मैंने नया नया करना शुरू किया है क्योंकि आई कॉन्ट कीप अ पेट इन द हाउस, तो प्लांट्स तो फिर मैनेज हो जाते हैं. मैं कहा चलो मैं इनसे बात करती हूँ. तो मैं सुबह सुबह ना बड़ी पागलों वाली फीलिंग भी आती है कि मैं क्या ही कर रही हूँ, बट हाँ ये मैंने करना शुरू किया है. एंड पता नहीं, तुलसी तो मेरी थोड़ी मुरझाई गई है जब से मैंने बात करना शुरू किया. क्या बात कर रहे हो आप? बट मैं एक्चुअली इनको बड़े इनकरेजिंग वर्ड्स देती हूँ, यू नो, अरे वाह, यू गाइस आर लुकिंग नाइस, यू गाइस आर लुकिंग प्रिटी, अरे तुम तो और लाल लग रहे हो. एंड रोहित कभी कभार उठ के आके ना बाहर से देखेगा कि पागल औरत गोज बैक. एंड ये मैंने कहीं एक नई थ्योरी पढ़ी थी कि पीपल हु कांट कीप पेट्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, सो पीपल हु कांट कीप पेट्स इन देयर प्लेस, तो आप अपने प्लांट से बात करना शुरू करो, दे विल रिस्पॉन्ड. तो मैंने कहा अच्छा चलो ये ट्राई करती है. कुछ मैंने 2-3 दिन से करना शुरू किया है, अभी थोड़ी पागलों वाली फीलिंग आती है. सो या आई सिट हियर एंड देन आई हैव माय ग्लास ऑफ कॉफी एंड देन आई स्टार्ट रीडिंग माय न्यूज़पेपर व्हिच इज बेसिकली जो आपके न्यू एडिशन, हाँ, जो मतलब जो एक्स्ट्रा जिसमें सारा मसाला गॉसिप वो सब आता है वो मैं पढ़ती हूँ, और फिर जो मेन न्यूज़पेपर होता है मैं ऐसे देखती हूँ. हाँ, वेरी नाइस. रोहित के लिए छोड़ दे. हाँ, कि वो वो पढ़िए, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, आई कांट रियली डू मच अबाउट इट, तो उसमें डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो बेटर है कि आप अपना नॉर्मल जो फन सेक्शंस होते हैं वो पढ़ो. तो मैं पढ़ती हूँ एंड देन आई स्टार्ट माई वर्क. चलो एटलीस्ट पढ़ते हो, वरना यू नो आई नो पीपल जो सिर्फ पिक्चर्स भी देखते हैं. वो रोहित भी है, वो रोहित भी है, वो भी ऐसे ग्लॉसी चीज़ें पढ़ लेगा और फिर वो मेन न्यूज़पेपर में जाके सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ता है, अदरवाइज वो भी पिक्चर्स काम में बंद करो. राइट. अच्छा, तो ये तो आपके फेवरेट कॉर्नर की बात की आपने. हम आज मिले हैं, एक खास वजह है, दिवाली, और इस दिवाली, ये दिवाली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत स्पेशल, ऐश्वर्या के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है गाइस, बिकॉज इनकी मूवी आ रही है, इनका डेब्यू है बड़े पर्दे पर. टेलीविजन में तो यू नो वी नो हर वर्क, वी नो हर ग्राफ, आई मीन शी डन अमेजिंग रोल्स. तो अब बारी है बड़े पर्दे की. एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड, वेरी. अभी वो थोड़ी सिंक इन नहीं हुई है फीलिंग. शूट भी ख़त्म हो गई है, मैं सिलेक्ट भी हो गई, शूट भी हो गई,
और रिलीज डेट भी आ गई, ट्रेलर भी आ गया, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल गया, बट अभी तक वो सिंकिंग नहीं हुई है फिल्म. आई थिंक वो जब फिल्म रिलीज़ होगी फिर मैं देखूंगी, फिर वो मैं अपने सीन्स को देख के बोलूंगी ठीक नहीं किया. आई गेट वेरी क्रिटिकल, देन आई हैव पीपल टेलिंग मी नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, देन आई बी लाइक हाँ ठीक है चलो पॉसिबली मैंने एक एक सही चीज़ की है. सो या इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ स्पेशल. उजरा चमन इज द नेम ऑफ द फिल्म. हाँ, उजरा चमन जो है वो है मेरी पहली फिल्म जो रिलीज़ हो रही है. इससे पहले मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, बट हाँ दिस इज माई फर्स्ट फिल्म दैट इज गेटिंग रिलीज्ड ऑन द 8th ऑफ नवंबर. सो डू गो एंड वॉच इट. देखो मैंने सारा डाल भी दिया, इंटीग्रेट भी कर दिया. Awesome. जाइए फिल्म देखिए और बताइए भी कैसी लगी आपको फिल्म. बहुत रिलेटेबल फिल्म है. बहुत सारे आदमी हैं, औरतें हैं इनफैक्ट नाउ, जो प्रेमेच्योर बॉल्डिंग से सफ़र करते हैं. एंड यू नो हमारे जैसे मेरे नॉर्मल हेल्दी बाल हैं, आपके हेल्दी बाल हैं, तो हम भी थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि अगर धोते वक्त ज़्यादा बाल दिख जाते हैं ना गिरे हुए हैं, हर हमारे तो बाल बहुत कम हो रहे हैं. तो इमेजिन पीपल जिनका एक्चुअली वो टकला दिखना शुरू होता है. हम ऐसे मजाक में बोलते हैं अरे मैं तो टकली हो रही हूं, बट पीपल हु एक्चुअली गो थ्रू दिस इट्स अ मेजर मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी आपकी लुक बालों से बहुत ज़्यादा डिसाइड होती है. So it's a relatable issue. Go and watch it and let us know what you think. फिर I'm so excited कि बेडरूम में किस तरह कितनी लड़ाइयाँ हुई है कि ये बेड होगा. That's true, हाँ नेहा, that's actually true, क्योंकि जब घर बनते हैं ना इतनी लड़ाइयाँ होती हैं. तो एक एक टाइम था हम लोग किसी टाइल शॉप के बाहर खड़े थे, क्या हुआ था, and I broke down and I told Rohit, I said Rohit यू नो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें इंजॉय करना चाहिए. हम अपना घर बना रहे हैं और हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं. दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी. उसके बाद रोहित ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड जस्ट बिकेम अ स्मूदर प्रोसेस. बट हाँ बहुत बहुत लड़ाइयाँ होती थी कि फ्लोरिंग क्या होगी और आपकी लाइट्स क्या लगेंगी. एंड नाउ आई जस्ट फील कि माई गॉड वी वेस्टेड सो मच टाइम फाइटिंग. तो आइए अब बेडरूम देखते हैं. हाँ चलो चलो वहाँ बताती हूँ लड़ाइयाँ की. सो बेडरूम में जाने के पहले ये जो इंटरेस्टिंग सा कॉर्नर आपने बनाया है, इतना कलरफुल है, क्या कहना चाहेंगे, अलग अलग सी यूनिक यूनिक चीज़ें उठा के रखी हैं. कहते हैं ना यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. मैं जितने भी पिछले सालों में अलग अलग घरों में रही हूँ, मैं हर वॉल को एक पिक्चर वॉल बना देती, एक वॉल को पेंटिंग वॉल बना. तो माई हाउस इज टू लुक लाइक अ म्यूजियम. ओके, सो दिस वॉज अ सजेशन गिवन टू मी बाय अ फ्यू पीपल कि एक ही वॉल पे कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा घर मत भर देना. सो हमने डिसाइड किया कि चलो दिस इज द वॉल दैट वी आर गोइंग टू यूज एंड वी आर गोइंग टू पुट ऑल द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू अस. तो जैसे ये बूमरैंग जो है, दिस आर ओरिजिनल बूमरैंग्स दैट वी गॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बिकॉज माई फादर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, ये जो आपको ये चार दिख रही है, मी एंड रोहित वी हैड गॉन फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग डेट टू अ फ्ली मार्केट. हमने ये वहाँ से उठाया था. ये जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स फॉर मी. ये मेरी जो को एक्ट्रेस थी और अब बहुत अच्छी दोस्त है रोहिणी बैनर्जी, शी प्लेड माई भाभी इन सास बिना ससुराल. उन्होंने एक एक स्टिच खुद बना के, ये वो है यू नो हैंडमेड, राइट? सो शी एक्चुअली मेड दिस फॉर मी एंड शी आस्क्ड मी यू नो कि किस टाइप की तुझे क्या चाहिए. सो आई टोल्ड हर दैट दिस इज अ वॉल दैट आई एम प्लानिंग. सो यू नो दिस इज अ वेरी स्पेशल गिफ्ट दैट आई गॉट. सो एवरीथिंग हियर हैज सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस. ये सिर्फ मैंने ऐसे रखा नहीं है. नाउ दिस इज अगेन दैट वी, ये रोहित की फेवरेट फिल्म है Back to the Future. And this particular poster उसे कहीं नहीं मिला. We found this in Sydney. And ये जो आप ये देख रहे हो, ये रोहित, हाँ ये रोहित ने कल ही लगाई है कि दिवाली आ रही है. दिवाली. चलो let's you know feel. ये actually मैं पूछने वाली थी कि ये हमेशा यहाँ रहती है कि नहीं. This is दिवाली special. दिवाली के बाद ये हट जाएंगे. I like it clean. Yeah. Yes. So yeah, that's the entry to my bedroom. Wow. I can't wait to see your bedroom now. Chalo. Let's go. So this is my bedroom. Okay, very cozy and very very nice, very sorted. Ha, again we have kept it very minimalistic. Unnecessary cheeze nahi rakhi hai. There should be enough space. Aur ye janab bade interesting hai. Ye jo janab hai, actually yahan pe na main ek aur koi lamp leke aayi thi. Ha. And this monkey ke मंकी की कहानी है. सो लैंप ना जब हमारे वर्कर्स काम कर रहे थे
उनसे वो लैम्प टूट गया, मैं दुबई से लेके आई थी, बड़ी ध्यान से पैक पैक करा कि वो लैम्प टूट गया. ओके, सो दे सेड मैम अब लैम्प तो टूट गया, अब दूसरा लाना पड़ेगा. सो आई सेड ठीक है. सो रोहित सेड तुझे हमेशा से एक पेट चाहिए था ना. आई सेड हाँ. ही सेड ये ले. ही गॉट मी दिस. ये सर तेरे पूरा टाइम एक मंकी लटका रहेगा. यू विल हैव अ फीलिंग दैट देयर इज एन एनिमल एट होम एंड यू विल बी हैप्पी. एंड ये जनाब फिर मेरे घर में आ गए. एंड आई एक्चुअली क्वाइट एंजॉय इस कंपनी. एक अलग सी फील आती है यहाँ पे. मैंने एक प्लांट भी रख दिया है यहाँ पे कि चलो ये शुड नॉट फील कि ही इज यू नो लिविंग इन अ रूम, तो थोड़ी इसको भी कंपनी हो जाती है. नाइस इज दैट. एंड देयर इज अ सिटिंग, अ स्मॉल सिटिंग एज वेल. हाँ, यहाँ पे अगेन दिस इज एन एरिया दैट आई एंजॉय. मैं पूरा नहीं खोल रही हूँ बट यहाँ पे भी लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ प्लांट्स. सो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं आपके, ये जिनसे बातें होती है पिछले 3 दिनों से, आई थिंक उनको भी लग रहा होगा पागल हो गई है. बट या आई सिट हियर एंड आई एंजॉय अगेन. या तो जब बारिशों का मौसम होता है, ऐसे बाहर बारिश हो रही है, सो आई क्वाइट एंजॉय you know sitting here and watching out and doing and thing. This is the place jahan you know you this is the place jahan main Rohit ko allow nahi karti hu. This acha. Oh okay, that place. This is that place. Okay. This is my place. And yahan pe bichare Rohit bolte the main thodi si jagah de do, main apna samaan rakh leta hu. I said nothing doing, ye mera hai. Because for an actress I think it's very important to have a designated area to get ready. And यहाँ पे that's why I got all the bulbs installed. And I just thought you know कि यहाँ बैठ के yeah I just need to like be very comfortable जहाँ मैं ready हो रही हूँ, because मेरे makeup hair करना आफत होती है. So I but I know you get ready very very fast. Yeah, actually I do. Some people tell me के you know तुम्हारी वजह से हमें डांट पड़ती है. When I have other co-actresses and actors के तुम इतनी जल्दी ready हो जाती हो, हमें तो 1 घंटा लगता है ना. ऐसे हाँ यार मुझे बैठा नहीं जाता. आई एम लाइक जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट दो, लेट्स जस्ट गेट इनटू द सीन. दैट्स द मोस्ट फन पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर, एक्टिंग, नॉट जस्ट सिटिंग एंड गेटिंग रेडी. सो या दिस इज माय स्पेस एंड आई मेक श्योर दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर. एंड दैट्स व्हाई ये एक एरिया है जहाँ पे मेरा प्रोफेशन, मेरा काम, मेरी लुक्स, मेरी वैनिटी, एवरीथिंग इज अबाउट मी हियर. एंड रोहित इज नॉट अलाउड. रोहित इज नॉट अलाउड. जब मैं घर पे नहीं होती तो आई एम श्योर वो यूज करता होगा, बट अदरवाइज दिस इज माई एरिया. हम वहाँ देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स भी इंटरेस्टिंग से, कुछ कहना चाहेंगे उन पिक्चर्स को लेकर? वो पिक्चर्स, वो जो एक आप फ्रेम देख रहे हैं उसमें कुछ 6 से 7 पिक्चर्स हैं. वो पिक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हैं बिकॉज एवरी पिक्चर इज फ्रॉम दैट वन प्लेस दैट वी वेंट टू. तो सबसे ऊपर वाली जो फोटो है वो बाली की है. अच्छा. फिर दुबई की है, टर्की की है, श्रीलंका, न्यूयॉर्क. सो ऑल द प्लेसेस दैट वी हैव विजिटेड एज अ कपल, तो वो हमने एक 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 फोटो लगाई है. सो या दिस इज माई बेडरूम. दिस इज माई वार्डरोब. एंड ये वार्डरोब मैं खोल के दिखा सकती हूँ. थोड़ा मैसी है बट यार रोहित को बेचारे को ज़्यादा जगह नहीं मिलती है. वाओ, ये इसे आप मैसी कहोगे? ये अभी तो हैंगर्स में ना, नीचे वाला हाल मत ही दिखाना, तो बेटर है. बिकॉज दिस इज स्टिल बेटर. नीचे तो इट्स इन अ वेरी बैड स्टेट स्टिल. इसमें से ऐसी कोई एक ड्रेस यू नो जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट हो? इट्स लाइक योर इफ यू हैव टू पिक वन. आई विल टेल यू माय गो टू जैकेट. ओके, दिस इज माय गो टू जैकेट. येलो हैज टू बी. I absolutely love this jacket. And पता नहीं ये क्यों मुझे इतनी पसंद है. बड़ी अनकम्फर्टेबल है, मटीरियल इज नॉट ग्रेट, बट आई लव इट. आई जस्ट लव द कलर, द वे इट फिट्स मी. इट्स वेरी लूज एंड कम्फर्टेबल. सो या दिस इज माई गो टू जैकेट जो मैं बाद में फोल्ड करके अंदर डालूंगी. अभी यही रख देते हैं. अमेजिंग बेडरूम विद सो लवली कुशन्स, सो इंटरेस्टिंग कुशन्स. अगेन ये भी आई डोंट पिक अप एनीथिंग. आई एम अ वेरी मैं जब जब शॉपिंग करती हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत इट हैज़ टू बी स्पेशल. आई कॉन्ट जस्ट लाइक पिक अप समथिंग. सो ये मैंने उठाया था. आई वॉज होस्टिंग आइफा लास्ट ईयर एंड दिस एक्चुअली मीन्स अ लॉट इन आर लाइफ बिकॉज रोहित और मेरे एक्चुअली एक दूसरे के लिए कुछ ऐसे नाम हैं जो लोगों को लगता है कि तो पागल हो गया क्या बोल रहे हो एक दूसरे को. बट या सो दिस इज एक्चुअली वेरी रेलिवेंट टू द कपल दैट वी आर. लव इज कॉलिंग ईच अदर नेम्स एंड ओनली द टू ऑफ अस गेट. आई मीन किचन भी हमने देखा बहुत सॉर्टेड है. बहुत सॉर्टेड है. अभी अभी जाके देखे. चलो किचन में मैं कॉफी पिलाती हूँ. चलो आई मेक अ स्पेशल कॉफी. ओके ओके, सो दिस इज वन एरिया जहाँ मैं टाइम स्पेंड करती भी हूँ, नहीं भी करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग आती भी है और नहीं भी आती है. ओके, तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है, लेकिन जब लोग खाते हैं
बोले तो मैं कुकिंग नहीं आती है. सो यू अंडरस्टैंड माई कन्फ्यूजन. तो अब मुझे पता नहीं क्या मैं डरूँ कि खुश हो जाऊँ कि मैं इसलिए कुकिंग नहीं करके दे रही हूँ तुम्हें, मैं इसलिए तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रही हूँ. सेफ ऑप्शन. हमारे यहाँ पे हम जो रेगुलरली ऐसे लोग अपना बार डिस्प्ले करते हैं ना, जिसमें अल्कोहल वगैरह रखते हैं, हम कॉफ़ी का बार डिस्प्ले करते हैं. इफ यू नोटिस दिस लाइक अ कॉफ़ी एरिया एंड मी एंड रोहित बोथ लव आर कॉफ़ी. तो हमारे पास अलग अलग देशों से आई हुई कॉफ़ी रहती है एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी स्पेशल कॉफ़ी जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, बट आई वॉन्ट यू टू टेस्ट इट बिकॉज ऐसी कॉफ़ी मैंने यहाँ नहीं पी है. सो वॉट आई हैव डिस्कवर्ड इज मैं अपने लिए बनाती हूँ आइस्ड अमेरिकानो विद आमंड मिल्क. आइस्ड अमेरिकानो विद आमंड मिल्क. ओके. सो कॉफी बनाने के लिए आपको चाहिए. नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई कांट वेट. ये है एक कप. इसमें आप डालिए, मैं अपने हाथों से डालूंगी. आई विल यूज अ रेगुलर स्पून. हाँ तो ये है आपका कप. हम तो नॉर्मली कॉफी डालते हैं, दूध में गरम करते हैं और नहीं लेते हैं. हमारे लिए कॉफी, आई एम लविंग द होल प्रोसेस. या हमारे लिए कॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड ओके. मी एंड रोहित वी बोथ आर कॉफी ड्रिंकर्स. व्हेन आई से कॉफी ड्रिंकर्स मतलब हम दिन के कुछ 4 से 5 कॉफीज पीते हैं रेगुलरली. तो हमारे लिए प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल गेट बोरिंग एंड मंडेन. सो लीजिए आप एक कप और लीजिए आप अपनी कॉफी मशीन और उसमें डालिए. अब इसके अंदर मैं यूजुअली शुगर फ्री यूज करती हूँ. सो मैंने अपना शुगर फ्री डाल दिया. और ये क्यों डाला है, क्योंकि अभी जब गरम गरम कॉफ़ी गिरेगी तो आई वोंट हैव टू डू मच, वो अपने आप पिघल जाएगी, नहीं तो फिर लगे रहो. ये हुआ. देखो मेरी पूरी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जितने सब यही पर सब सेट है. हाँ. सो देन आई जस्ट डू दिस. मेहनत लगती है कॉफी बनाने में. हम अपनी कॉफी को लेके लायका सर बहुत सीरियस है. वाओ. एंड दिस इज समथिंग दैट वी एक्चुअली डू, यू नो, वी गो टू ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस. फिर चाहे हम चंडीगढ़ जा रहे हैं या फिर केरला जा रहे हैं या फिर लंका जा रहे हैं, लाइक वेयर एवर वी गो वी मेक श्योर दैट वी ट्राई आउट डिफरेंट लोकल कॉफीज फ्रॉम दैट प्लेस. ओके. सो नाउ दिस इज योर कॉफी शॉट. आई एम गोइंग टू ऐड अ बिट ऑफ आमंड मिल्क. मिक्स इट अगेन. And now we just add a bit of water. Wow. Yeah. It looks so yummy. Yep. So there you go. Try taking a sip. Can I yeah, try this? Sure. You got to press this button. Yeah. Press it. Put this is to mix the ice. ये शुरू शुरू में मुझे बड़े मजे आते थे, अलग ही रहती थी मैं. It's an art. So, okay. Well done, Mia. Yeah, well done. अब मैंने finally आधी कॉफी बनाना सीख ली है. कैलोरी कॉन्शियस इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इसमें पानी मिक्स करें. इनफैक्ट पीपल हु आर लाइक डाई हार्ड कॉफी फैंस वो मुझे गाली देंगे दे सी दिस सेगमेंट बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू इवन ऐड शुगर. यू आर नॉट सपोज टू, इट रूइंस द फ्लेवर ऑफ कॉफी. बट हम इंडियंस को थोड़ी आदत होती है हर चीज़ में चीनी, हम होते ही इतने मीठे हैं, यू नो. सो चीनी के बगैर कुछ कंप्लीट नहीं होता कोई भी डिश. हाँ, गुजराती. देयर यू गो. दैट्स योर कॉफी एंड दैट्स माय कॉफी एंड वी से चीयर्स. मैं तो ऐड
वाला रिएक्शन था ना नेहा, ओह माय गॉड क्या मसाले डाले हैं इस बिरयानी में, लाइक सीरियसली. नो नो, आई एम अ गुजराती, मैं शुगर के बगैर कुछ पसंद नहीं करती. हाँ, फिर भी मुझे ये कॉफी पसंद आई, सो यू कैन अंडरस्टैंड. थैंक यू. चलो बैठो. चलो, सो व्हेन वी वर गेटिंग द हाउस डन, me and Rohit, we both decided ke dining table nahi rakhenge. Okay. Although I love dining table, the entire concept of people sitting together and having their meals together, but humne kaha itni jagah mein let's play it smart. Let's play it very New York baby. So humne open kitchen ka idea decide kiya. In fact, all this, ye jo pure panels hain, jo bhi hai kitchen mein, it's mostly Rohit. Okay. He has done most of the work in the kitchen. एंड अभी भी ज़्यादातर काम किचन में वही करता है, मैं नहीं करती. एंड या सो दिस इज़ माई लिटिल प्लेस, मी एंड रोहित, वी सिट हियर एंड वी हैव आवर मील्स टुगेदर. एंड जब पापा आते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको सोफे पे बिठा देते हैं. एंटर करते ही प्रॉब्लम होती होगी विद द ब्लू डोर्स. नहीं, बट नाउ ही सेज कि बेटा तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे से रखा है, तुमने बहुत अच्छे से बनाया है. मैं कहा पापा अब तो पैसे लग गए, अब तो आप कुछ बोल नहीं सकते, इट्स ओके, अब तो पैसे हमने स्पेंड कर दिए. सो ही सेज नहीं नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है. नहीं, पर आई वुड रियली से दैट आज मैंने भी जैसे कि घर देखा, हर एक चीज़, जैसे कि आपने भी कहा, हर एक चीज़ के पीछे देयर इज अ स्टोरी. तो अब जैसे मंदिर में कुछ नॉर्मल नहीं है, यू नो, जैसे नॉर्मली डाइनिंग टेबल होता है, मंदिर होता है, ये यहाँ मंदिर भी हम देख रहे हैं, वो भी अलग ही अंदाज में है. मैंने ना मंदिर देखे हैं, वो बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं. यहाँ पे इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं, आई हैव नॉट परचेज्ड अ सिंगल वन ऑफ देम. मुझे सब बड़े बूढ़े जितने भी मेरे घर में लोग हैं जो आशीर्वाद देने के लिए, यू नो, दे आर दैट एज, उनकी दीवी, एक एक चीज उनकी दीवी है. सो आई फील कि मैं गॉड को देख तो सकती नहीं हूँ. आई कैन ओनली फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू द पीपल हु लव मी. सो ये सब उनके मंदिर से एक एक चीज दी हुई है. तो गणपति बापा हैं वहाँ पे, आई थिंक वो हम सबके फेवरेट हैं. देन मेरे पिताजी, माई फादर, ही इज अ बिग भक्त ऑफ साई राम. हमारा हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं होता, हम साई राम बोलते हैं एक दूसरे को. Then there's, in fact, there's a laughing Buddha also there. ये भी मुझे मेरे एक, you know, elderly person in the family, उन्होंने दिया था. So इसके पीछे भी एक story यही है कि for me, God is, it resides in the people who love me, who take care of me. तो उन्हीं के आशीर्वाद से दीवी एक 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 मूर्ति मैंने यहाँ पे रखी. और बन गया आपका मंदिर. और बन गया मेरा मंदिर. अच्छा, ऐश्वर्या, अमेजिंग घर है आपका. थैंक यू. मैं बार बार तारीफ कर रही हूँ. इतनी अमेजिंग सी कॉफ़ी आपने पिलाई, इतनी अच्छे से हमारी मेहमान नवाजी की. हार्डली, नो नो, इट्स अ स्मॉल टोकन ऑफ लव. ओह, आई लव गिफ्ट्स, थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैं बड़ी एम्बैरेस हो जाया करती थी पहले गिफ्ट्स लेने के लिए. नो, यू शुड नॉट. मुझे अब सिखाया गया है कि जब आपको गिफ्ट मिले, आप अप्रिशिएट करो और थैंक यू बोलो और हग. सो थैंक यू सो मच नेहा. थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से, यू नो, आपने ये पूरा सेगमेंट किया, इतना अच्छे से पेशेंट बनकर इतना टाइम दिया हमें. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस. आई थिंक ये पहला चैनल है जो मेरे घर पे आया है. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू गाइस ओवर. कैन आई ओपन इट? या प्लीज प्लीज. इट्स ऑलवेज गुड टू अप्रिशिएट द गिफ्ट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु इज गिफ्टेड इट टू यू. वाओ, दो दो चीज़ें. बिकॉज इट्स दीपावली. और जो हमने बात की अभी, हम जो बात कर रहे थे उससे, आई एम हैप्पी आई बॉट दिस. आई डोंट वांट टू रिवील मच. ओह, दैट्स माय दिवाली गिफ्ट. आई गेट माय फर्स्ट दिवाली गिफ्ट. वाओ, दैट्स व्हाट आई गॉट. सो इट्स लाइक दिस. ये पीछे वाला है. ओह, ये ऐसे है. सो दैट वाज माय ब्लॉन्ड मोमेंट. नो नो, आप ये दिया जलाओगे ना तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा. चलो, मतलब आपने भी मुझे आशीर्वाद दिया. Yes, exactly. ये मेरे मंदिर में जाएगा. थैंक यू सो मच नेहा, इट रियली मीन्स अ लॉट. गणपति बप्पा इज बैक इन माय लाइफ. आई थिंक बड़े गिफ्ट की एक्साइटमेंट हमेशा ज्यादा होती है. क्या है इसके अंदर? बिल्कुल इतना भी बड़ा नहीं है. नहीं नहीं, गिफ्ट हमें, अरे वाह, दिए, आई लव इट. या सो थैंक यू. स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे दिए की बात हो रही थी. हाँ. अच्छा, चलो. हाउ स्वीट. शी लाइक इट नाउ. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
थैंक यू सो मच ऐश्वर्या ये सेगमेंट करने के लिए हमारे साथ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी. थैंक यू सो मच उजड़ा चमन 8 नवंबर देखना ना भूलिए. थैंक यू नेहा फॉर कमिंग ओवर एंड आई रियली एंजॉयड माय हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू.